जीते कितना टोटल राशि? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए जीत गए। वाला खेलता है और ब्लू या फिर रेड बिंदा नहीं है, कौन खिलाड़ी खेलता है कौन नहीं खेलता बस अंदाजी ये बनाते नहीं थे इसका, लेकिन ये खुद अपने से बनाया करता था। अभी मैं बिहार के सीमांचल क्षेत्र में हूँ और सीमांचल का ये पूर्णिया का डगरुआ क्षेत्र है और मैं डगरुआ के नज़दीकी गांव में हूं और जो गांव है इसे कन्हरिया कहा जाता है और कन्हरिया में विशेष ये है कि लगातार आपको पता ही होगा कि हमारा जो कंटेंट है ड्रीम इलेवन का लगातार बिहार हो या फिर यूपी हो या फिर बंगाल या फिर कोई अदर स्टेट हो सभी जगह के विनर्स का इंटरव्यू हमारे चैनल पर आते रहता है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे कन्हरिया गाँव में जहाँ से एक युवा है जिन्होंने ड्रीम इलेवन पर टीम लगाई और रातों रात करोड़पति बन गए। तो आइए मिलाते हैं उन शख्स से कि आखिर किस प्रकार से उन्होंने टीम लगाया, कौन से मैच में टीम लगाया और किस प्रकार से करोड़पति बने, कैसे करके गेम खेला और कितने दिनों से खेल रहे थे। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पे दिया। ठीक है, आपको भी स्वागत है। क्या नाम है आपका? नौशाद अंसारी। नौशाद अंसारी नाम है। ये कल से वायरल, सॉरी आज से मॉर्निंग से वायरल चल रहा है कि आप ड्रीम इलेवन पे रातों रात करोड़पति बन गए, तो क्या ये सही है? सही है। कब से आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगाते आ रहे? 2021 से। 2021 से लगाते आ रहे हैं। हाँ। मतलब लगभग 2-2.5 साल हो चुका है। हाँ। हाँ। इतने टाइम से, इससे पहले कभी जीते थे या नहीं जीते थे? ना, इससे पहले नहीं जीते थे। ये पहली बार हुआ है। हाँ। अच्छा, कौन सा मैच लगाए थे जहाँ पे आप ड्रीम इलेवन में इतना सारा पैसा? पंजाब और क्या था, राजस्थान। पंजाब और राजस्थान का मैच में लगाए थे। कौन सा कॉन्टेस्ट था जिसमें आपने ये मैच लगाया था? 39 रुपये वाला। 39 रुपये का कॉन्टेस्ट था जिसपे आपने लगाया था। और जब कॉन्टेस्ट लगाया फिर आपकी विनिंग कितनी हुई? 890.5। जीते कितना टोटल राशि? 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए जीत गए। कौन सा कॉन्टेस्ट था? 49 वाला कॉन्टेस्ट था, 39 वाला कॉन्टेस्ट था? 39 वाला, 12 करोड़ वाला। 12 करोड़ का कॉन्टेस्ट था। 54 करोड़ वाले में आपका टीम नहीं था? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, 39 वाले में जीते इसलिए 1 करोड़। हाँ। अगर 52 करोड़ वाले में लगाते तो उसमें तो 2 करोड़ के मालिक हो जाते। हाँ, हाँ। क्योंकि उस पे 889 पे फर्स्ट रैंक है और हाँ। आपका देख रहे हैं 890 पॉइंट है। हाँ। कहीं ना कहीं 1 पॉइंट ज्यादा है। हाँ। तो उस पे टीम नहीं लगाए थे? नहीं नहीं, किस्मत में जो रहेगा वही ना होगा। अच्छा, तो आपने जो टीम लगाया, मैंने आपका टीम देखा, उसमें प्रभु सिमरन सिंह को आपने बैटिंग सेक्शन में रखा था जबकि उनका सिलेक्शन 5% से भी कम था। आखिर किस प्रकार से, कैसे सोचा कि ये आज अच्छा करेगा, इसको कोई नहीं लेता वैसे प्लेयर? आप सबको ले लिया। हाँ, हमको लगा कि ये ठीक देगा नंबर, इसलिए लिए। अच्छा, लग रहा था कि? हाँ। 2 साल से खेलते आ रहे थे। हाँ। अभी तक कितना इसमें इन्वेस्ट कर चुके थे आप? ज़्यादा नहीं होगा, 5-7 हज़ार। 5-7 हज़ार रुपये मतलब हारे थे, इसके बाद 1 करोड़ जीत गया। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। शादी हो चुकी है। हाँ। बच्चे भी हैं। हाँ। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। घर में कौन कौन है? मम्मी पापा है। मम्मी पापा है और अपना परिवार है? अपना परिवार है। अब क्या करेंगे, खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है बहुत बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा, कैसे हो गया, इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे मिली आपका? इफ्तार का समय चल रहा है, रोजा का समय, कहीं ऊपर वाला का तो मेहरबानी हो गया। हाँ, ऊपर वाला का मेहरबानी ही है। अच्छा, कैसा हो गया? हाँ। अब क्या करेंगे इन पैसों का? अच्छे जगह लगाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर द्वार बनाएंगे और क्या। अच्छा, आपका कोई सपोर्ट भी कर रहा था आपका टीम बनाने? हाँ, महबूब है, भाई है चचेरा। अच्छा, कौन है महबूब भाई? महबूब भाई है। आइए महबूब जी, इधर आइए, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे कि आप अपने फ्रेंड की स्वागत है भाई। कैसे टीम बनाए थे इनका जो इतना खर्चा? देखिए, टीम तो हम बनाते नहीं थे इसका, लेकिन ये खुद अपने से बनाया करता था, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता था कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। प्लस ये टीम जो बनाया तो किस में लगा है नहीं लगा उस चीज़ का जानकारी उसको नहीं था, लेकिन जब मेरे पास जाता था तो उसमें हम करते थे क्या, जो खिलाड़ी नहीं खेलता था उसको चेंज करवाते थे, अगर कप्तान उपकप्तान में कुछ गलती होता था तो उसको सही करवाते थे और किस कॉन्टेक्स्ट में लगाना है उसको लगवाते थे। कभी कभी ये करता क्या था, 2-3 टीम तो बना लेता था पर कॉन्टेस्ट में वो जोड़ नहीं पाता था। कल इनका कितना टीम था? इसका 2 टीम बनाया था, लेकिन जब मेरे पास गया था सिर्फ 1 टीम इसका जो है कॉन्टेस्ट में जुड़ा हुआ था, जो कि सिर्फ पहला टीम था, और दूसरा टीम इसका बना हुआ था, दूसरा टीम ये जोड़ा नहीं था। जब वो मुझे दिखाया तो देखा, मैंने देखा कि इसमें दोनों टीम तो जुड़ा हुआ है नहीं। यूँ कहा जाए कि जिनको प्लेयर्स की नॉलेज होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं प्लेयर के बारे में, उनका उतना बढ़िया टीम नहीं बनता और उनको कुछ नहीं आता है। क्योंकि इनका जब मैंने टीम देखा तो उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे प्रभु सिमरन सिंह है और भी 1-2 प्लेयर्स हैं जिनको इन्होंने अपनी टीम में रखा था। ये कैसे सोचा कि प्रभु सिमरन सिंह जो कभी नहीं चलते हैं आज इतना अच्छा? नहीं, ये मैंने कहा ना, इसे खुद जानकारी नहीं है कौन खिलाड़ी खेलता है कौन नहीं खेलता, बस अंदाजी ये ले लिया। सिर्फ इसको पता है कि हरा बिंदा वाला खेलता है और ब्लू या फिर रेड बिंदा वाला नहीं खेलता, मतलब नहीं है किसी से, कोई मतलब नहीं है। बाकी कौन क्या करता है नहीं करता है, किसका पॉइंट कैसा है नहीं है, कौन अच्छा कर सकता है नहीं कर सकता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। क्या योगदान रहा है टीम बनवाने में? मेरा योगदान क्या रहा, सबसे पहले तो हम इसको 2021 में ड्रीम इलेवन का
मतलब ऐप से दिए और बोले इसको पैसा डाल के कि इसको खेलिए और अच्छा ऐप से है। अच्छा, कहीं ना कहीं हाँ मैंने ही दिया था। आपको कैसे पता ड्रीम इलेवन के बारे में? मैं ऐसे प्रचार देख रहा था तो 2018 में हम खुद चालू किए थे अपना मोबाइल में और 2018 से हम लगभग खेल रहे हैं। कहाँ चले गए विनर महोदय? तो आप 2008 से खेल रहे थे? 2018 से लग नहीं लगी और ये अच्छा खासा। हाँ, अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, जो कम से कम पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मेरा करोड़पति कोई बन गया ड्रीम इलेवन में। बाकी तमाम से लोग हैं बहुत सारे, उनके साथ साथ शायद पिताजी भी हैं। आप पिताजी हैं? जी। अच्छा, कैसा लग रहा है बेटा जो है पति बन गया है? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे और बहुत इतनी बड़ी मुकाम हमारे लाइफ में आए? खैर सोचे थे तो नहीं। अच्छा। लेकिन बच्चे जो मैच खेल रहा था। अच्छा। तो उस समय हम बोले थे बच्चे को, तो मतलब बोला था अब्बा इसमें जो है हार जीत का खेले है। अच्छा। अगर अल्लाह चाहा तो कभी भी किस्मत लोग कर देगा, तो अल्लाह चाहा तो किस्मत लोग हो गया, तो जो भी हुआ अल्लाह दिया, तो अब जो दिया तो। लेकिन बेटा हमारा मेहनत बहुत किया था, मेहनत करके कमा करके ऑटो लिया, ऑटो से कमा करके अपना किसी को बाल बच्चे का परवस्ती कर रहा है, प्लस माँ बाप का भी परवस्ती कर रहा है। को बेटा आपका? बेटा हम लोग तीन गो है। अच्छा, हाँ सबसे बड़ा यही है। हाँ सबसे बड़ा यही है।